हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाइए बेटा, आवाज आ रही है क्या आप सभी को? तो चलिए मैं बच्चों को थोड़ा सा इनवाइट भी कर लेता हूँ। ये काम है तुम लोगों ने अच्छा बता दिया है। कौन सा पेपर हम करने वाले हैं, कोई आइडिया किसी को? किसी को कोई आइडिया है इस बारे में? बेटा एक पोल मैंने कराया, उस पे भी आप लोग जरूर अपना राय दीजिएगा, है ना। नीट के लिए दो ऑप्शन आपको दिए गए, पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप क्या सोचते हैं इसका फर्क पड़ता है ना, क्योंकि हम एक सोसाइटी का हिस्सा है तो इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए तो मैंने इनवाइट कर दिया है, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, वेरी गुड। ओके, अच्छा हैंडसम लग रहा हूँ। अरे वाह, हैंडसम राज, थैंक यू बेटा। हाँ, 85% बच्चे वैसे चाह रहे हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए, है ना। पोल से तो ही पता चला कि 85 to 87% बच्चे यही चाहते हैं। कम्युनिटी में बेटा मिलेगा ये, कम्युनिटी सेक्शन में आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, हम वहां पे आप वोटिंग करो बेटा, है ना। अच्छा, क्यूट लग रहा हूँ। अरे तुम लोग अभी जानते नहीं हो मुझको, क्लास में कभी मिलना। तुम लोग फिर कहोगे इतने खतरनाक सर हैं। हाँ देखिए, कल तक बेटा क्लियर हो जाएंगी चीजें, है ना। और जिन 11 स्टूडेंट ने बेटा पिटीशन फाइल किया है, कुछ बच्चों से मैं बात करूंगा आज, है ना, इस बारे में। और अपलोड भी करूंगा मैं उस, है ना, एक इंटरव्यू मैं करूंगा इन बच्चों का। तीसरे टाच कोई मैसेज नहीं लिखा तो है बेटा, गंगवार इंस्टीट्यूट। अच्छा चलो, हाँ अच्छा, आकाश ने बियर्ड क्यों नहीं रखते हो? बेटा अच्छी नहीं लगती मुझे, फिर ऐसे थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा भी बच्चे हैं, वैसे फिर लगेगा कि अरे बहुत बड़े हो गए, है ना। तो चलो भाइयों और बहनों, सब लोग जल्दी से लाइक करो। दीदी और दद्दों जल्दी से। तो अच्छा, सुमित कह रहे हैं सर आप व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं देते। बेटा रिप्लाई में कितना रिप्लाई दूं, सोचो। दो तो लाइव क्लास हो जाती है ना, फिर लाइव क्लास के बाद में प्रीमियम का रिकॉर्ड करना होता है ना, उसके लिए काम करना पड़ता है। और प्रीमियम की रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लगता है ना। 1 घंटे का अगर हमें कंटेंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए हमें, है ना। अनुपम आर्या, अच्छा तुमसे 2 4 साल छोटा ही होऊंगा मैं। वर्तिका करी क्लास में हिटलर। अच्छा कार्तिकी करी 2 महीने से आपने व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखा है। अच्छा 2 महीने से, अच्छा। अरे तो मैसेज पता नहीं कहाँ चला गया होगा, ये भी तो सोचो, 2 महीने में कितने मैसेज आ गए होंगे। आप नया मैसेज करो फिर से। और अब बेटा कोई काम की बात हो, पता चला कि आप क्वेश्चन भेज रहे हो, करो सर इसको एक्सप्लेन कर दो। अब इतना टाइम नहीं रहता ना, क्योंकि समझ रहे हो ना आप। अच्छा शिवम
शिवान ने कह रहे हैं कि अनाकोंडा इन क्लास काउ इन ऑनलाइन। अच्छा अनुराग कह रहे हैं सर बीएचयू एंट्रेंस 9 से 13 सितंबर को है। अनुराग कुमार ये बताओ पहले, अनुराग कुमार है, अनुराग पांडे तो नहीं हो तुम? कोई काम नहीं, पर अलग मैसेज कर रहा बैठ के। अरे अपना केमिस्ट्री फेज का देखो, वही शाम को क्लास होनी है। लेकिन ये अलग है, मैं तो मजाक कर रहा था। यूपी कैटेट का भी आ गया है। हाँ बिल्कुल एग्जाम का बेटा, कल तक थोड़ा सा आप टाइम लो, कल तक चीजें मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगी, है ना। और 85% बच्चे चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो, पोस्टपोन हो जाए। हाँ 15% बच्चे चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो, है ना। तो अब ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ये बेटा। यूट्यूब पे अगर लेक्चर आपके नहीं चल रहे तो फिर उसके लिए कुछ दिक्कत आ रही है यूट्यूब पे, है ना। तो उसको या तो हम रिजोल्व करेंगे या फिर नीट बूस्टर पे एक्सेस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। नहीं कल सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं बेटा क्या होगा, क्योंकि कल क्लैट जो एक और हियरिंग चल रही यूजीसी की, है ना, उसका भी आने वाला है डिसीजन कल ही। तो हो सकता है कि दोनों साथ में इसीलिए एक ही दिन किए हों ताकि एक ही दिन सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। अच्छा गुड़िया करें कि आप बड़े हो या अनुराग सर। अब ये तो अनुराग सर से एक बार पूछना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो तुम लोग जानते ही हो, है ना। मेरे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 अगस्त, जानते हो ना तुम लोग, 2001, है ना, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो अनुराग सर से पूछ लेना, है ना, फिर कंपैरिजन कर लेना, ठीक। तो वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए, है ना, ये तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 अगस्त सन 2010, है ना, 1 अगस्त 2010, क्योंकि इसी दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है एमबीबीएस की। जिस साल आपका सिलेक्शन होता है उसी दिन ये माना जाता है कि आप पैदा हुए हैं। नहीं मेरी बात तो सुनो बेटा, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। जैसे जब आप कॉलेज में जाओगे तो कुछ रैंक का नाम सुना होगा कि रैंकिंग होती है, तो रैंकिंग में क्या होता है, आपसे पूछा था कि कब पैदा हुए, तो अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बता दिया तो बहुत गालियां पड़ती हैं फिर, है ना। तो उसमें ये बताना होता है कि जिस दिन आपका एडमिशन हुआ था कॉलेज, तो मेरा एडमिशन 1 अगस्त 2010 को हुआ था, तो यही फिर आपको बताना पड़ेगा कि यही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस दिन मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ वो आपका लाइफ का पहला दिन था। तो अभी मैं 10 साल का हूँ इस हिसाब से अगर देखा जाए। अनुराग सर का फिर इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 अगस्त 2012, मतलब अनुराग सर मुझसे 2 साल छोटे हैं, है ना, उनका एडमिशन सेम कॉलेज में 2 साल के बाद हुआ। तो ये मेरा एक्चुअली पोता लगता है ना, जो 1 साल जूनियर होता है, 2011 वाले बच्चे मेरे बेटे लगते हैं, बेटियां लगती हैं, और ये मेरे पोता पोती लगते हैं, है ना। तो इस हिसाब से अनुराग सर मेरे पोते हुए, है ना। चलो तो ठीक है, टाइम काफी हो चुका है, बातें भी हो गई हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आ गया, कौन सा पेपर है ये मैं आखिर में बताऊंगा जैसा कि हमेशा हम करते हैं। बस आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। रैगिंग वैसे नहीं होती बेटा, मतलब अच्छी वाली रैगिंग होती है कि आपको मजा आएगा, एक इंटरेक्शन बनेगा सीनियर के साथ में, जूनियर के साथ में, अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। अनुराग सर वैसे तो मुझसे 2 4 साल बड़े ही होंगे, लेकिन कॉलेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझसे जूनियर ही हैं, वैसे तो मुझसे 2 4 साल, तभी तो देखो बाल वाल उनके कम हो नहीं गए, उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाया तो है मैंने बायो में कि प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है, बाल वाल गिरने लगते हैं। अनुराग सर देख ना रहे हो बस। चलो
साहिल बेटा प्लांट फिजियोलॉजी वीक है तो 6 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें सब प्लांट फिजियोलॉजी आपको मिल जाएगी। 8 घंटे में ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, और बाकी भी अपलोड कर दूंगा मैं। अच्छा। सेल लाइनिंग द ब्लड वेसल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, ब्लड वेसल में कौन सी, स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ना। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फॉर्मिंग, बढ़िया सवाल है, अच्छे से करिएगा। ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के लिए कौन सा सही है, यूटिलाइजेज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, यूजेज ओनली नेचुरली प्रोडक्ट इनपुट लाइक कंपोस्ट, ठीक है, डज नॉट यूज पेस्टिसाइड इन एंड यूरिया, ये भी सही है, प्रोड्यूसेस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं और ये भी नहीं। जो ए वाला स्टेटमेंट है ये बायोटेक है बेटा, है ना, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक का हिस्सा है। बी और सी ऑर्गेनिक फार्मिंग के पार्ट है बेटा, तो यहाँ पर पूछा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन से करेक्ट हैं, तो बी और सी करेक्ट हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और आप मुझे बताइएगा चौथा वाला जो स्टेटमेंट दिया गया, अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं है, अगर ये बायोटेक नहीं है, तो ये है क्या, प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल दैट इज नेम्ड एज, यस यस अच्छी बिल्कुल सही है बेटा, दैट इज नेम्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन, बिल्कुल राशिका संतोष नूतन, बायो फोर्टिफिकेशन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन, सर्टेन प्रोटोजोवन हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, प्रोटोजोवा नहीं बेटा, ईस्ट का यूज करते, ईस्ट है ना। चलिए इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव, नहीं दैट इज द पैसिव। If due to some reason B and T lymphocyte are damaged, the body will not produce antibodies against a pathogen. ठीक है, सही है, ये सही है, सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। डिसलाइक करने वालों की कमी थोड़ी है बेटा, हर बच्चा पढ़ना थोड़ी चाहता है, तो दो बच्चों ने डिसलाइक कर दिया होगा, लेकिन तुम 336 लोग हो और तुमने लाइक नहीं किया है, इतने नालायक हो तुम लोग, मतलब हद खत्म की हो, आधे बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक। चलो जल्दी से लाइक करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से लाइक करें। हाँ देखो 6 डिसलाइक, 6 हो गए डिसलाइक, 3 गुने हो गए, और लाइक देखो क्या हाल है, जल्दी से कम ऑन गाइस। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसीडर टू बी टू रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज, क्योंकि ये दोनों ही हेटरोस्पोरस हैं बेटा, है ना, ये दोनों ही हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट, और इनमें क्या होता है, इनमें होता ये कि एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, तो यहाँ पर यस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 के लिए पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ मिलने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बेटा, टेलीग्राम चैनल गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट नाम से ही है, और दूसरा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 8604 है ना, या फिर एक नंबर और मैं दे दूंगा। लाइक क्यों नहीं करते हैं, उसके अपने अलग अलग रीजन हो सकते हैं, कुछ लोग स्टडी रॉबर्ट्स होते हैं ना, पढ़ाई कर लेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे, जैसे नेक्टर रॉबर्ट्स होते हैं ना। फॉलोइंग एनिमल मे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, तो कौन होगा, स्पैरो, स्पैरो अगर सीड खाएगी तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में, और अगर इंसेक्ट खाएगी तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए बेटा जरूरत किसकी होती है, एक तो एमिन की जरूरत होती है, दूसरा सीएल की जरूरत होती है, तो यहाँ पर मैग्नीज आपको दिया गया है। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम, कई स्पर्म अगर ओवम के नजदीक आ जाते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम जिसे कहते हैं स्पर्म लाइसिन हेल्प वन स्पर्म
एंटर साइटोप्लाज्मा फॉर्म थ्रू जोना पेलुसिडा, एक स्पर्म है ना, एक स्पर्म केवल एंटर करेगा यहाँ पर। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू ब्लड इज प्रेजेंट, है ज्यादातर CO2 किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? बल्क 70% बल्क इसका जो होता है बेटा, बल्क मतलब ज्यादातर हिस्सा, तो 70% जो पार्ट होता है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा और आरबीसी में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन कहां पर होता है? यस, कहां पे होगा? मैट्रिक्स में या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन? मैंने आपको फिगर बना के भी दिखाया, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है जिनकी इनफोल्डिंग को क्रिस्टी का नाम दिया जाता है ना। तो अब जो प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है वो इस जगह पर होता है, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन, ये स्टडी किसने की थी ये भी मुझे बताइए। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था ये भी मुझे बताइए। और ये तो बैक्टीरियल वायरस यानी बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल सिंपल लीव विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, वर्ल फिलोटैक्सी कहां पर पाई जाती है? वर्ल फिलोटैक्सी एक तो नीरियम में पाई जाती है जो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, दूसरा एलेस्टोनिया जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। तो एलेस्टोनिया और नीरियम में वर्ल फिलोटैक्सी प्रेजेंट होती, बिल्कुल हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट था। चलिए ईसीजी यहां पर दिया गया है, करेक्ट वाला आपको बताना है, ठीक है। P एंड R टूगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं गलत है, पीक पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन ओनली नहीं गलत है, कॉम्प्लेक्स QRS वन कंप्लीट पल्स, हाँ बिल्कुल सही, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। चलिए यहाँ पर आपको ह्यूमन स्केलेटन पार्ट के कुछ हिस्से दिखाए गए हैं, आपको नॉन मैचिंग पेयर यहाँ पर ढूंढना है। तो पहला है ह्यूमरस एंड अल्ना अपेंडिकुलर स्केलेटन, सही है। मैलियस एंड इनकस इयरोलॉजिकल, ये भी सही है। स्टर्नम एंड रिब एक्सियल स्केलेटन, ये भी सही है। क्लेविकल एंड ग्लेनॉइड कैविटी पेल्विक गर्डल, नहीं बेटा क्लेविकल और ग्लेनॉइड कैविटी किसका पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ द पेक्टोरल गर्डल, ये पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वॉट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो फिर इसका मतलब है कि बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है किसका? क्लोन बनता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक, ए ड्रग यूज फॉर ए पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बी, बढ़िया सवाल है, करिएगा अच्छे से। एनसीईआरटी के ज्यादातर क्वेश्चन है बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जो ड्रग है वो ट्राइकोडर्मा से निकालते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस ड्रग का नाम बस मुझे आप बता दीजिए, कौन सी ड्रग के बारे में बात हो रही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जायगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड, जायगोट में कह रहे हैं कि अगर कौन सा क्रोमोसोमल कंपोजिशन होगा जिससे नॉर्मल ह्यूमन फीमेल का फॉर्मेशन हो। कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा बेटा यहाँ पर, है ना। साइक्लोस्पोरिन, बिल्कुल रूबेन, बिल्कुल सही आंसर है, साइक्लोस्पोरिन सिद्धि, हाँ साइक्लोस्पोरिन ए साक्षी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो दो एक्स क्रोमोसोम बेटा हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। द 24 आवर डायनल रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? ये बेटा एक प्रीवियस ईयर पेपर है, ये कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर, ये जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली, देखिए यहां पर 90 क्वेश्चन तो मैं आपको कराता हूँ, 90 क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, तो इससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। रॉन्गली मैच वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, तो ब्रायोफिल्म लीफबर्ड, अगेओबल्बिल, पेनिसिलियम कोनिडिया, वाटर हाइसिंथ, रहना नहीं बेटा, वाटर हाइसिंथ में क्या होते हैं? ऑफसेट होते हैं। यस पीनियल ग्लैंड, बिल्कुल सही है,
पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन को सिग्रेट करता। फंक्शन ऑफ कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल का काम क्या होता है ये आपको बताना है। कॉम्पेनियन सेल कॉम्पेनियन सेल का काम क्या है? बढ़िया सवाल है, ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। कॉम्पेनियन सेल का काम है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीओ ट्यूब एलिमेंट। पहले ऑप्शन में भी लोडिंग है सुक्रोज सीओ ट्यूब एलिमेंट, लेकिन यहाँ पैसिव लिख दिया गया इसलिए गलत हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार कंपोनेंट होते हैं, इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? दैट इज पेरोक्सिसोम। तो ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, और चौथा कंपोनेंट आपको बताना कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का चौथा कंपोनेंट कौन सा होता है। बिल्कुल मोहम्मद इमरान, लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो सुक्रोज में, सुक्रोज की दोनों ही एक्टिव प्रोसेस होते हैं, बिल्कुल सही है। इन क्रेंच एनाटमी द बंडल सीथ सेल है। क्रेंच एनाटमी में जो बंडल सीथ सेल होती है वो कैसी होती है? थिन वॉल तो नहीं होती, तो दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। थिक वॉल होती है। एक क्या बचा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू। स्वीट पोटैटो किसका होमोलॉगस होता है? स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस टू, बताइए जल्दी से। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का है ना, रूट का मॉडिफिकेशन है। जिंजर स्टेम का मॉडिफिकेशन है। टर्निप स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो स्टेम का एक मिनट। टर्निप रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, कोलोकेसिया स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, है ना। स्वीट पोटैटो भी रूट मॉडिफिकेशन है, टर्निप भी रूट मॉडिफिकेशन है, तो दोनों की ओरिजिन सेम है, दोनों रूट की ओरिजिन के हैं, तो दैट इज द होमोलॉगस। जबकि जिंजर, पोटैटो और कोलोकेशिया ये तीनों होमोलॉगस है आपस में, है ना, क्योंकि तीनों स्टेम के मॉडिफिकेशन है। क्लियर बेटा? यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करता है, मतलब जो यूरेटर होता है वो यूरिन को भी लेके जाता है और स्पर्म को भी लेके जाता है। यूरिनो मतलब यूरिन को भी लेके जाता है और जेनाइटल मतलब स्पर्म को भी कैरी करता है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर होता है? मेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में ऐसा होता है। और ये एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन करें जबकि बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाई मेकिंग अ कॉन्सियस एफर्ट। करें अगर हम कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं? द लंग कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाई फोर्सिबली ब्रीदिंग आउट ऑल ऑफ एयर फ्रॉम देम। क्या अपने लंग से सारी हवा बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं, जब हम सांस छोड़ते तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है, सीओ टू भी होती है। वन कैन ब्रीद एयर आउट थ्रू स्टेचुएट ट्यूब बाई क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। नहीं, ये भी गलत है, तो ए ही ऑप्शन सही होगा। वन कैन कंसियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाई मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल। ये कॉन्शियस एफर्ट से किया जा सकता है, ठीक है, विच इज ए पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबल है, कॉन्शियस एफर्ट मतलब अगर योगा एक्सरसाइज करें तो पहला वाला स्टेटमेंट पॉसिबल है, बाकी सब गलत है। चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ मिस्टेक है उनमें, दो में, वही दो स्टेटमेंट आपको बताने किन में मिस्टेक है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो रोजी, गलत हो गया ना, काऊ है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर, ये भी गलत। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो कटिंग के लिए यूज होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सही है। डिसार्म पैथोजन वेक्टर आर यूज्ड टू ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट। विच ऑफ टू स्टेटमेंट हैव मिस्टेक, किस दो में मिस्टेक है? ए और बी में मिस्टेक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर बेटा? द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑफ। तो पहले तो ये जानिए कि माइक्रोस्पोरम रिंगवर्म डिजीज कॉज करता है, इसका किंगडम क्या है? फंजाइस का किंगडम है। अब देखिए राइजोपस ए मॉल्ड, राइजोपस भी तो फंजाई है, तो इसका मतलब दोनों ही सेम किंगडम के हैं।
एस्केरिस एनिमेलिया किंगडम का है, टीनिया एनिमेलिया का है, और उचरेरिया भी एनिमेलिया। तो ये तीनों एक किंगडम के हैं, जो माइक्रोस्पोरम है ये राइजोपस के किंगडम से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेक इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियर्ड करने के लिए, जेनेटिक बदलाव करने के लिए किसका यूज करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज करते हैं। गुड ओजोन इज फाउंड इन, गुड ओजोन कहाँ पर पाई जाती है बेटा? गुड ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें गुड ओजोन पाई जाती है, और जो ट्रोपोस्फीयर है यहाँ पर बैड ओजोन पाई जाती है। गुड ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, और बैड ओजोन जो होती है बेटा, बैड ओजोन पोल्यूशन पोल्यूटेंट की तरह काम करती है, हार्मफुल होती है। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन किसका रिजल्ट है बेटा? गटेशन किसका रिजल्ट है? गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। अब आपको बस ये बताना है कि रूट प्रेशर कैसा होता है, पॉजिटिव रूट प्रेशर होगा या नेगेटिव रूट प्रेशर होगा, जल्दी से बताइए। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, किसी जियोग्राफिकल एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी होती है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करती है? गटेशन किसकी वजह से होता है बेटा? गटेशन इज ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, गटेशन इज ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, उस एरिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी होती है ना, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय द, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से कैसे अटैच करते हैं बेटा? स्पिंडल फाइबर से कैसे अटैच करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग मैचिंग ऑफ द माइक्रो एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वेल रिमेनिंग थेरा, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, ईस्ट स्टेटिन, बिल्कुल। कौन सा ईस्ट है ये, इसका नाम बताइएगा, साइंटिफिक नेम जिससे स्टेटिन मिलता है। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड, सही है, तो ए यहाँ पर ए गलत है। साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू, एमआरएनए की जो साइलेंसिंग है बेटा, एमआरएनए की साइलेंसिंग ये प्लांट को रेजिस्टेंस किससे प्रोवाइड करता है, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए? यस दैट इज द मोनेस्कस परप्यूरियस, बिल्कुल सही, मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट है बेटा। एक ईस्ट तो आप जानते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, मोनेस्कस परप्यूरियस भी ईस्ट है, ये निमेटोड से इन्फेक्शन, निमेटोड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एमआरएनए साइलेंसिंग। और ये निमेटोड का नाम बस बता दो मुझे जल्दी से कमेंट करके, जल्दी मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके मुझे नाम बता दो कि उस निमेटोड का नाम क्या है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट, नोटोकॉर्ड के लिए कौन सा गलत है? चलिए, इट इज एबसेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, गलत है, यही गलत है, क्योंकि ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो पाया जाएगा। यस, मिलोडीगाइन इनकॉग्निशिया वो निमेटोड है। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, ये टेक्निक किसके लिए रिकमेंड की जाती है आपको बताना है, गिफ्ट टेक्निक किसके लिए रिकमेंड की जाती है जल्दी से कमेंट करिएगा। हाँ, मेलोडी गैन इनकॉग्निशिया, बिल्कुल, इससे बचने के लिए। मेलोडी गैन इनकॉग्निशिया कौन सी डिजीज कॉज करता है, उस डिजीज का नाम भी बताइए मुझे, उस डिजीज का नाम आपको बताना है। मेलोडी गैन इनकॉग्निशिया कौन सी डिजीज कॉज करता है? थर्टी फाइव, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट होगा। गौरव बिल्कुल सही है बेटा, रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज कॉज करता, बिल्कुल सही है। कॉमन कोल्ड, अब एक मुझे आंसर और बता दो जल्दी से, मुझे ये बताओ कि क्राउन गॉल डिजीज कौन कॉज करता, क्राउन गॉल डिजीज कौन कॉज करता है, क्योंकि कई बच्चे क्राउन गॉल भी आंसर कर रहे हैं, है ना। इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज, कॉमन कोल्ड को एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया को किल करती है या फंगस को किल करती है ना। एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मार सकते, और कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, इसलिए कॉमन कोल्ड को एंटीबायोटिक नहीं ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस
क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिजीज इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन? एलिफेंटियासिस, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इतना तो सही है, विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड? नहीं बेटा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो कैरी करती है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सही है। बाइट ऑफ मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मेल नहीं बेटा, फीमेल काटती है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी विद इंस्पायर्ड एयर? नहीं बेटा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सही है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज। फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन पजिजिंग, फ्रॉग ह्यूमन से किस तरीके से अलग है? फ्रॉग हम लोगों से किस तरीके से अलग है? ह्यूमन में ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं, लेकिन फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। ये एम्फीबिया का मेंबर है, और जो मैमल होते हैं उनमें ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं। टेस्ट क्रॉस इन प्लांट और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व क्रॉसिंग, टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर रहा है बेटा, कि प्लांट में जो टेस्ट क्रॉस करते हैं या ड्रोसोफिला में जो टेस्ट क्रॉस करते हैं, उस टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? तो टेस्ट क्रॉस में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है, उसे रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं, द एफ वन हाइब्रिड विद ए डबल रिसेसिव जीनोटाइप। रिसेसिव से क्रॉस करा देते हैं, और इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये क्रॉस कराता हूं, अगर मैं हाइब्रिड का क्रॉस डोमिनेंट से करा दूं, तो इस क्रॉस को क्या कहेंगे? ये तो टेस्ट क्रॉस है बेटा। मैंने आपसे पूछा इस क्रॉस का नाम आप बताओ मुझे क्या होगा। द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में आपसे पूछा गया बेटा। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये प्रीवियस ईयर का पेपर बेटा मैं करा रहा हूँ, जिसका अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा पेपर मैं करा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग फिर तुरंत सर्च करने लगोगे। दैट इज नेम्ड एज आउट क्रॉस, उसे बेटा आउट क्रॉस कहेंगे, बैक क्रॉस मत कहो। बैक क्रॉस तो है ही है, वो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस दोनों बैक क्रॉस है, लेकिन जो मैंने पूछा वो एक्चुअली आउट क्रॉस है, जो कि बैक क्रॉस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन कौन सी है? dN over dt इक्वल टू rn, rn k माइनस n और k। डी ऑप्शन सही है बेटा, बी क्यों कर रहे हो बहुत लोग? यहाँ पर डी ऑप्शन सही है बेटा, dN over dt इक्वल टू rn। ये जो पहली वाली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है बेटा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एग्जामिन द फिगर, लेकिन फिगर तो है नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। अबाउट विच डे इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड LH सर्ज नॉर्मली अकर? कितनी बार पूछा गया LH सर्ज आपसे पूछा गया कि LH सर्ज किस दिन होगा, पांचवें दिन, ग्यारहवें दिन, 14th डे या 20वें दिन? चलिए बताइए। तो ओवलेशन, देखिए नॉर्मली जब आपको साइकिल का टाइम नहीं दिया गया तो 28 दिन की साइकिल आप मानोगे, और 14th डे, 28 डे में से 14 माइनस कर दोगे, 14th डे ओवलेशन होगा। ठीक है, अगर 30 दिन की साइकिल है तो 14 माइनस करोगे, 16th डे ओवलेशन होगा। अगर 38 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 माइनस करोगे, 24वें दिन ओवलेशन होगा। तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम दिया हो, 14 माइनस करके और आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवलेशन का डे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से एक नई ब्रांच बनी, दैट इज नेम्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बहुत सही है। अच्छा कुछ करें, एनटीए पेपर नंबर 82 है, अरे वाह क्या तुक्के लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला? मैं बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और तुम लोग कह रहे हो एनटीए है। एनटीए तो बेटा सुबह होता है, तुम लोग अभी जगे नहीं हो क्या? तो अरे डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन का 2123/2123 है ना, 21/23/21/23 सही। विच टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर थाई, जांग में, स्ट्रिएटेड एंड वॉलेंट्री, बिल्कुल सही है, यही सही है। बाकी देखो अपर आर्म में स्मूथ होती, नहीं बेटा ये भी स्ट्रिएटेड होती। हर्ट में इनवॉलेंट्री, अनस्ट्रिएटेड, नहीं बेटा स्ट्रिएटेड होती। इंटेस्टाइन आर स्ट्रिएटेड, नहीं बेटा अनस्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री होती, तो यही ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट व्हाइल द रिमेनिंग थ्री आर, कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? चलिए बताइए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं, कैडमियम नहीं बेटा, बाकी तो तीनों, फास्फोरस भी हो जाएगा,
आयरन भी हो जाएगा, मैग्नीज भी हो जाएगा, कैडमियम नहीं है ना, कैडमियम नहीं, कैल्सियम होता है, कैल्सियम और कैडमियम में अंतर है, इसको कैल्सियम मत पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। कैडमियम अगर पानी में और उस पानी को कोई पीता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, कैडमियम से एक बीमारी होती है ना, मैंने बताया है। चलिए यहाँ पर आपको करेक्ट और रॉन्ग बताया गया है, द स्पोरोफाइट इन लिवर वर्ट इज मोर इलेबोरेट देन इन द मोसेस। लिवर वर्ट में स्पोरोफाइट नहीं, मोसेस में स्पोरोफाइट ज्यादा इलेबोरेट होता, तो गलत है। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस। मिनीमाटा, ना 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 बेटा, मिनीमाटा नहीं, इटाई इटाई, दैट इज द इटाई इटाई होता। मिनीमाटा तो बेटा मरकरी की पॉइजनिंग से होता, मैंने बताया था, मरकरी मरकरी है ना, एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनीमाटा है ना, कैडमियम से होती इटाई इटाई नाम की डिजीज, ठीक है। चलिए तो इसमें साल्विनिया, सिलेजनेला, मार्शियलाइजोला हेट्रोस्पोरस हैं। लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लोन्टिक। सीड बियरिंग प्लांट क्या है, जिम्नोएंजियो। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, नहीं बेटा, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम ट्री, क्योंकि ये है मोनोइसियस। तो रॉन्ग स्टेटमेंट दो कौन से हैं, ए एंड डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉमन फ्रॉग रोना टिग्रीना, मेढक जिसको कहते हैं मेड़ुका। तो मेड़ुका में पूछा है कि इसमें ट्रू और फॉल्स बताने। तो ऑन ड्राई लैंड मेड़ुका वुड डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सिबली केप्ट क्लोज फॉर ए फ्यू डेज। आप बताओ, इट हैज फोर चैम्बर हार्ट, कितना होता, थ्री चैम्बर। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न यूरिकोटिली फ्रॉम यूरिको यूरियोटिली, नहीं बेटा, यूरियो ही होता है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरीड आउट इन पॉन्ड वाटर, हाँ पॉन्ड वाटर में, ठीक है ठीक है। अब ए बताओ, ए वाला क्या होगा, ए वाला भी सही है, क्योंकि ड्राई लैंड पे अगर सूखी जगह पर है तो इसकी स्किन मॉइस्ट होगी, तभी ये स्किन से रेस्पिरेशन कर पाएगा। अब आपने इसे ड्राई लैंड पे रखा तो स्किन इसकी ड्राई हो गई, और आपने इसका मुंह बंद कर दिया तो अब मुंह से भी सांस नहीं ले पाएगा, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, स्किन से भी सांस नहीं ले पाएगा, तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर ए वाला क्या है, ट्रू है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, डी ट्रू है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द फिगर शोज फोर एनिमल, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टू एनिमल। चलिए देखिए, पहचान तो ले रहे हो ना, ये पहला वाला फिगर क्या है, ये पहला वाला फिगर मुझे लग रहा है टीनिया सोलियम है, दूसरा वाला मुझे लग रहा है ऑरिलिया है क्या, जेलीफिश, तीसरा क्या है, दैट इज द ऑक्टोपस, डेविल फिश, और ये आपको क्या दिखाया गया है, दैट इज स्कॉर्पियन, बिच्छू है। तो ये प्लेटीहेलमिंथ का मेंबर हो गया, ये सिलेंट्रेटा का मेंबर हो गया, मोलस्का का मेंबर हो गया, आर्थ्रोपोडा का मेंबर हो गया, है ना। अब देखो, करें ए एंड डी हैव निडोब्लास्ट, ए और डी, ये ए है और ये डी है, क्या इनमें निडोब्लास्ट होंगे, नहीं बेटा, वो तो ऑरिलिया में हो सकते हैं ना, ऑरिलिया में, ठीक है। सी एंड डी हैव ए ट्रू सिलोम, सी एंड डी मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में ट्रू सिलोम होता है, बिल्कुल होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा बेटा, बी सही होगा, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू, एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगा स्पोर किसमें डेवलप होती है, फंक्शनल मेगा स्पोर से किसका फॉर्मेशन होता है, ये सब क्वेश्चन दो दो सेकेंड के हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, है ना। एम्ब्रियो सैक बनता है, अब मुझे बताओ मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने में कितनी बार मियोसिस होती है, आपको मियोसिस का नंबर बताना है, एक दो तीन, कितनी मियोसिस होती है मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने में। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग, एक्सक्लूसिव मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, एकदम सही है, एंड दैट इज नेम्ड एज कॉन्सियसनेस।
ये कॉन्शियसनेस और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, आप जानते हैं। चलिए तो बच्चों के आंसर आ रहे हैं, 1, 2, 3, ज्यादातर बच्चे 1, 2, 3 आंसर कर रहे हैं। एक बच्चे ने सही दिया है, राजवीर ने सही आंसर दिया है, मनीषा ने सही आंसर दिया है, शिव कुमार ने सही आंसर दिया है। बहुत कम बच्चे आंसर सही करें, शिवानी ने सही आंसर दिया है। चलो तो नीलू ने सही आंसर दिया है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1% से कम बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। मैंने यहां मियोसिस पूछा है और मियोसिस तो नहीं होगी बेटा ना, 0। क्यों मियोसिस होगी, मेगा स्पोर है ना बेटा, मेगा स्पोर तो खुद हैप्लोइड, मियोसिस कैसे करा दोगे, एम्ब्रियो से भी गैमेटोफाइट हैप्लोइड है। तो 3 बार माइटोसिस होगी बेटा, माइटोसिस 3 बार होगी, मियोसिस नहीं होगी इसमें। मियोसिस किसमें होगी, अगर मेगा स्पोर मदर सेल में कहता तो आप कहते 1 बार मियोसिस होगी और 3 बार माइटोसिस होगी। कुछ समझ में आया, अब आंसर करने से कोई फायदा नहीं, जितने बच्चों ने सही आंसर किया था उनका नाम मैंने अनाउंस कर दिया था, अब आप सब 0 करोगे, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब अब नहीं बनता है। सम वेस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दिस, कुछ वेस्कुलर बंडल को आप ओपन कहते हैं, तो ओपन कहने का मतलब क्या है। बताइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 में श्रेयांश कह रहे हैं कि डी ऑप्शन क्यों नहीं, 49 में डी क्यों नहीं, बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, बी और सी। बेटा ऑक्टोपस में रेडियल कहाँ होता है, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। हाँ चलो 52 पे थे ना हम लोग, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, ओपन कब कहते हैं, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी साइलम एंड फ्लोयम, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं है ना, क्योंकि कैम्बियम है यहाँ पर, ठीक है। बैसिलस थुरिंजेंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, दिस प्रोटीन। 12:15 पे हमने स्टार्ट किया था पेपर, देखते हैं कितने बजे तुम लोग खत्म करते हो, 12:48 हो रहा है, आधे घंटे में तुम लोगों ने 50 क्वेश्चन उड़ा दिए, वाह क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, बाइंड विद एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट एंड इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेट, कितनी बार वही क्वेश्चन कर चुके हैं और 70 क्वेश्चन एकदम सीधे मिलेंगे, जैसे मैंने पढ़ाया है ना पिछले 3 महीने में, अगर आपने सही तरीके से रिवाइज कर लिया, 70 क्वेश्चन आंख बंद करने के बाद भी एग्जाम में दिखाई देंगे, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ये समझ लो आपने इतना एफर्ट किया है, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस वाइल पोर्ड इन टू द ड्यूओडेनम इन ह्यूमन एज, ध्यान से करिएगा क्योंकि 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, गलती 1 सेकेंड में हो जाएगी है ना। आंखें बंद करने से ऐसे दिखेगा कि आपको ऑप्शन नहीं देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतरीन सवाल है, इसमें गलत आप क्या करोगे, एंटेरो काइनेस तो करो ही ना, क्योंकि ये तो पेनक्रियाटिक जूस में होता ही नहीं, नालायक। बी ऑप्शन कौन कर रहा है, ये गधे ही हो क्या, ये तो इंटेस्टाइनल जूस में निकलता है। ट्रिप्सिन करो तो समझ में आता है, ट्रिप्सिनोजन करो, काइमोट्रिप्सिनोजन करो। तो अब कह रहे हैं वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस वाइल पोर्ड इन टू द ड्यूओडेनम, तो ड्यूओडेनम में जब पोर किया था तब तो ट्रिप्सिनोजन होता है ना बेटा, बाद में इस ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में चेंज करता है, ट्रिप्सिन फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलता है, तो करेक्ट आंसर यहां पर सी होगा बेटा, सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में डाला जाता है तो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, बाद में एक्टिवेट होते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे ए करके एग्जाम में और अगले क्वेश्चन पे चले जाते, उनको लगता है कितना आसान सवाल था है ना। ठीक है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन फेरिटिमा इज करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन, फेरिटिमा, फेरिटिमा जानते हो ना, फेरिटिमा पोस्थुमा अर्थवर्म, कई लोग कहते हैं कि अर्थवर्म तो सिलेबस में ही नहीं, देख लो सिलेबस में नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या करोगे। तुम लोग
गधा गधी वाला खेल क्यों खेल रहे इसमें नालायक। कोई बता रहा कि तुम गधे, कोई कह रहा मैं गधी, नालायक। डी क्यों नहीं, किसमें पूछ रहे बेटा? क्वेश्चन का नंबर तो बत बेटा, काइमोट्रिप्सिन नहीं, काइमोट्रिप्सिन नोजेन होता है जो सिक्रीट होता है, नालायक। वही बता रहा हूं इतनी देर से। सीटी डिफेंस नहीं बेटा, लोकोमोशन। टिफ्लोसोल स्टोरेज, सरफेस एरिया बना। क्लाइटेलम सिक्रेट कोकून, सही है। गिजर्ड एब्जॉर्ब नहीं, ग्राइंडिंग का काम करता है। बोथ हाइड्रार्क एंड जिराक सक्सेशन लीड टू द, तो सक्सेशन शुरू कहीं से भी हो, फाइनली क्या बनता है? मीडियम वाटर कंडीशन। मीडियम वाटर कंडीशन यानी फॉरेस्ट ही बनेगा, जंगल से बनेगा, जंगल ही। शुरू चाहे तालाब से करो और चाहे पत्थर पे शुरू करो, ठीक है, बनेगा जंगल ही आखिर में जाके। चलो, द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अर्थवर्म इन इज ए प्रोसेस कॉल्ड, डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करने की घटना को क्या कहते हैं? दैट इज नेम्ड एज फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन। कौन बता रहा है ये सब? ह्यूमिफिकेशन क्यों किए दे रहे हो? एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर ले लो, उसमें गाली गलौज कर लो हैं यहाँ पे तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डायंथस? कुछ याद है? ये फिगर मैं करा चुका हूं। सेम डायंथस में कौन सा होता है? फ्री सेंट्रल होता है बेटा, फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 59 द गिवन फिगर स्ट्रक्चर, ये मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ सही से। डी है ये बी है, ये ए लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है। अब बताओ पार्ट सी क्रिस्टी। हाँ, ये तो सही है कि सी क्रिस्टी पजे सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्रिस्टी में होता नहीं, मैट्रिक्स में होता है। पार्ट ए मैट्रिक्स मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, मैट्रिक्स नहीं बेटा, वो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम की साइट क्या है? इनर मेम्ब्रेन होती है। पार्ट डी आउटर मेम्ब्रेन गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ये भी गलत है। पार्ट बी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, यस डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वन और टू ब्लैंक, चलिए देखते हैं। बियर्स गो इन टू, क्या करोगे? बियर गो इन टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर टू, क्या करोगे? टू स्केप कोल्ड वेदर, है ना। चलिए, ए कॉनिकल एस पिरामिड विद ए ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट, ब्रॉड बेस है तो कौन सा होगा? दैट इज द एक्सपेंडिंग, है ना, एक्सपेंडिंग हो जाएगा। ब्रॉड बेस है तो एक्सपेंडिंग हो जाएगा। ए वास्ट पॉलिनेटिंग ए फिग फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ, दैट इज द म्यूचुअलिज्म, ये म्यूचुअलिज्म का केस बन जाएगा। एन एरिया विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस इज नोन एज, हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हॉट स्पॉट। अब देखो 1 2 3 4 5 ब्लैंक है, 3 इस एक्सपेंडिंग है, 4 कमेंसलिज्म है, नहीं है म्यूचुअलिज्म है, 1 हाइबरनेशन, 2 एस्केप, 3 एक्सपेंडिंग, 5 हॉट स्पॉट। ये सही लग रहा है मुझे, क्लियर। चलिए ये सही लग रहा है, थैंक यू सो मच। ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए। पेपर ये खतरनाक था, जानते हो किस चीज का पेपर था? दिस इज द AIPMT, ऑल इंडिया PMT, जिसको अब आप नीट कह रहे हैं, है ना, नीट मेंस। ये प्री का नहीं पेपर था, मेंस 2011 का पेपर आपने उड़ा दिया है। मेंस 2011, प्री छोड़ दो, प्री का तो पेपर इजी होता है, ये मेंस का पेपर आपने ऐसे उड़ा दिया। AIPMT 2011 मेंस का पेपर आपने उड़ाया है आज, है ना। तो सोचिए कि 2012 तक प्री और मेंस दो पेपर हुआ करते थे नीट के, है ना। अब तो नीट का एक ही पेपर होता, पहले दो पेपर हुआ करते थे। प्री जो होता था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे और मेंस में केवल 60 क्वेश्चन आते थे बायो के, है ना। वैसे टोटल क्वेश्चन प्री में रहते थे 200 और मेंस में रहते थे 120 सवाल। 120 में से प्री में 200 में से 100 सवाल बायो के और मेंस में 120 में से 60 सवाल बायो के होते थे, है ना। तो ये 2011 मेंस का पेपर आपने सॉल्व किया है ना। तो अच्छा, कई बच्चों ने कहा था कि ये, हाँ तो पेपर तो खतरनाक था लेकिन आप लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना।
हाँ ईजीएस विनोद, पेपर कैसा था? एकदम सर विनोद था पेपर, वाह मजा आया, बहुत विनोद आया, बहुत विनोद आया। ठीक है, तो हाँ चलो जल्दी जल्दी बताओ कितने कितने तुम लोगों ने सही किए हैं। आशुतोष सिंह वर्मा, बहुत मार खाओगे बेटा, अनुराग सर के अगर बालों के लिए कुछ कहा बहुत मार खाओगे। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग कैसे हो? एकदम विनोद में हो, बहुत बढ़िया। मतलब ज्यादातर बच्चों के, हाँ देखो जैसे विकास ने 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, प्रमोद के 5 क्वेश्चन गलत हुए, एकता के 6, शशि के 8 क्वेश्चन, प्रिया के 9 क्वेश्चन, विनोद में है। ठीक है गौरव, वेरी गुड। कितने सही किए गौरव? महेंद्र के 47 करेक्ट हैं, रूबी के 40 करेक्ट हैं, राकेश के 55, कविश के, मोहम्मद काविश के 57, आदर्श के 53, वेरी गुड। ओके चलो बहुत बढ़िया। कलुआ के 40 ही सही हुए, क्यों बेटा कलुआ? हिमांशु के 50 सही हैं, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न के 56 सही हुए गए, वेरी गुड। अच्छा एस डी मिश्रा के 59 सही हैं, काजल के 50 हैं, आशुतोष के 58 सही हुए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुम लोग कर रहे हो। बस ऐसे ही लगे रहना बेटा एग्जाम तक, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना बीच में, है ना। जैसे एग्जाम आने वाला है, क्योंकि अब 1 महीने का टाइम है, और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ किसी भी वजह से, है ना। चलो ठीक है, जल्दी से लाइक करो और मुझे ये बताओ कि कितने 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 बच्चे पहली बार ये सेशन कर रहे हैं। तो एक तो बेटा जो नए बच्चों, उनके लिए मैं बता दूं कि बेटा 2 क्लास मेरी होती है, एक सुबह 8 बजे होती है जिसमें एनटीए का एक मॉक टेस्ट मैं कराता हूँ, दूसरी क्लास 12 बजे होती है जो आज आपने की है यहाँ पर, है ना, इसमें मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर कराता हूँ। इसके बाद 3 बजे एक अमृता मैम की क्लास होगी, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कराएंगी बायो के, और 5 बजे अनुराग पांडे सर की क्लास होगी जो आपको कराएंगे केमिस्ट्री एनटीए के पेपर। ठीक है, एनटीए केमिस्ट्री का पेपर। देखते हैं बेटा भूमिका अब क्या होता है। अच्छा रुचि मिश्रा पहली बार है, नीट में अच्छा होगा बेटा, पढ़ाई करोगे बिल्कुल अच्छा होगा, है ना। बेटा इधर आइए, इधर आइए, बेबी कम हियर, से हेलो। हेलो पापा, इसमें तो वीडियो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं ओके अभी दिखाई दे, अभी दिख रहा है। हेलो बोली, हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? मुझे डायनासोर पेज दे दो। ओके बेबी, मुझे डायनासोर पेज, वेट फॉर अ मिनट। तो ठीक है बेटा, अभी जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके, और फिर चलो हम लोग मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है।